अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल हिबस जान पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक वाइट शर्ट के ऊपर उसका सेंटर का मोटिव बनाना बताऊंगी। इसका सेपरेट मैंने पहले से बनाया हुआ था, जस्ट मोटिव बनाना है। ये तीन कलर इसमें ऐड होने हैं। स्ट्रेट लाइन में मोटिव है जिसके तीन पार्ट हैं। अभी मैं आपको फर्स्ट पार्ट बनाना बताऊँगी। ये तीन कलर हैं, वूल के कलर हैं। ये फर्स्ट लाइन है जो कि पिंक कलर से बनाई है। टू स्ट्रेंथ यूज़ किए हैं धागे के। और देखिए, ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये साटन स्टिच पहले मैंने यूज़ किया। पहली दो लाइन जो होंगी, दो स्टिच, वो साटन स्टिच के होंगे। उसके बाद जो स्टिच हम यूज़ करेंगे वो ऑल ओवर होगा, क्योंकि स्टेबल करने के लिए पहले ये लंबा स्टिच होता है, तो ये साटन का यूज़ किया। इस तरह ये पूरी लाइन जो है ये पिंक कलर से बनेगी। उसके बाद हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे। और ये सेकेंड लाइन है जो कि ऑरेंज कलर के धागे से है। ये भी टू स्ट्रेंथ है। सारा डिज़ाइन जो है वो टू स्ट्रेंथ से यूज़ किया गया है। अपनी ज़बान में हम इसको गुल्ला सीटा बोलते हैं, वैसे बलोच भी कहा जाता है, सिंधी भी कहा जाता है। अपनी अपनी लैंग्वेज के मुताबिक इसको बोला जाता है। जैसे जैसे ये डिज़ाइन ऊपर जाता जाएगा ये शॉर्ट हो जाता जाएगा। जैसे ट्राइंगल होता है, ये ट्राइंगल बनेगा। ये थर्ड लाइन है, ग्रीन कलर से है, फ्रेश ग्रीन कलर है। जैसे ये तीनों कलर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद यही कलर फिर से रोटेट होंगे और ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। अब ये पूरा ट्रायंगल बन गया है। इसकी हम आउटलाइन बना रहे हैं ब्लैक कलर के थ्रेड से। जब तक आउटलाइन नहीं बनेगी ये कंप्लीट टच नहीं देगा। फाइनल फिनिशिंग ब्लैक कलर की से ही आती है। जैसे ये पूरा हो जाएगा इसका फाइनल, ये टच भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल के नीचे वाला फ्लावर है, इसको कंघी फ्लावर कहा जाता है।
इसमें जो कलर यूज़ होंगे वो ट्रायंगल वाले नहीं होंगे, डिफरेंट कलर होंगे, लेकिन थ्रेड वो सेम ही होगा वूल का, और स्ट्रेंथ जो हम यूज़ करेंगे वो भी सेम ही होगी। ये ब्लू कलर से है पहले, इसके बाद में हम और येलो कलर लगाएंगे। ये येलो कलर है, येलो कलर का जो थ्रेड था थोड़ा सा मोटा था बाकी थ्रेड से, उसका टेक्सचर बहुत मोटा था, बनाते वक्त भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई। नॉट नहीं लगाते हम, नॉट लगाने से नीचे जो जगह है जो है वो सख्त हो जाती है, ऐसे ही छोटा सा डॉट लगा के ऊपर से सारी फिलिंग कर ली जाती है और जो गिरा होती है वो कवर हो जाती है, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कभी भी बाहर नहीं निकलती। इसी तरह ये कम्प्लीट हो जाएगा, फिर अंदर का जो फ्लावर है वो पिंक होगा। ये कंप्लीट हो गया, इसकी आउटलाइन भी ब्लैक कलर से होगी। देखिए इसलिए इसको कंघी फ्लावर कहा जाता है, जो इसकी आउटलाइन है कंघी की शेप में होती है, तो इसलिए इसको कंघी फ्लावर कहा जाता है। अब ये नीचे वाला फ्लावर है जो सबसे छोटा फ्लावर है, इसके अंदर तीन मिरर भी हैं और इसके कलर फिर उनसे डिफरेंट हैं। छोटे फ्लावर जो होंगे पिंक होंगे, पेटल जो होंगी वो ग्रीन होंगी, मिरर जो हैं वो ऑरेंज कलर के होंगे। एक पत्ती तो पूरी बन जाए।
15 फिर कंप्लीट कर रहा हूँ। कंप्लीट हो गया हमारा सारा मोटिव जो था शर्ट का। अब इसका ये मिरर लग रहे हैं, जैसे ही मिरर लग जाएगा ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। जब इसको स्टार्ट करवाया था इस पूरी शर्ट को, तब मेरा चैनल भी नहीं था। फिर मेरा चैनल स्टार्ट हुआ तो मैंने उन्हें कॉल करके कहा कि जो सेंटर वाला मोटिव है उसको आप जो है ना ड्रॉप कर दें, वो मैं खुद बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने इसको खुद बनाया। ये पूरा होने के बाद आपको फाइनल टच दिखाते हैं। अब ये जो है इसका फाइनल टच है आफ्टर स्टिचिंग। आप देख सकते हैं वाइट कलर का फैब्रिक है, सॉफ्ट कॉटन है, प्रिंसेस कट या ए लाइन कट भी कह सकते हैं आप इसको। 5 ईयर बेबी का है, बेबी गर्ल का। ये देखिए ये स्प्रेड था, ऑल ओवर स्प्रेड है ये, और ये साइड पे इसकी कलियां हैं कर्व के स्टाइल में, फुली एम्ब्रॉयडर कलियाँ हैं। और ये उसका सेंटर वाला मोटिव है जो मैंने आपको बनाना सिखाया था। नेक लाइन है इसकी और ये स्लीव्स हैं। क्लोज तक देख लें आप एक बार। फिर ईद का ड्रेस है ये, बहरिया टाउन कराची जाएगा। तो ये थी मेरा आज की वीडियो। आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।